पहली गेंद बहुत खूबसूरत गेंद, हालांकि बहुत बेहतरीन गेंद गुडलिन से थोड़ा अतिरिक्त ओवर द विकेट जाते हुए, फिर से स्वीप करना चाहते थे, खराब काफी बाहर की तरफ स्पिन हुई थी गेंद, उंगलियां फेरी गई थी। और देखिए जहां पर खेलना चाहते करण मोरे को फिर आरे बल्ले से खेलने की कोशिश, काफी शरारत करती हुई नजर आ रही है, थोड़ा सा परिवर्तन फील्ड प्लेसमेंट में। ओ बहुत खूबसूरत गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद, बल्ले के फेस को खोलना चाहते थे, गेंद केतन पहुंचे 11 पर। इस मरतबा एलिविशन नहीं है, हवा में गेंद है, फील्डर उसके नीचे, बड़ा झटका लगता हुआ, विकेट हासिल कर रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण बात है। क्या कमाल की गेंद थी ये, हुक किया था लेकिन बल्ले के थोड़ी ऊपर लगी थी प्रभु के लिए। ओ क्या गेंद थी, क्या गेंद थी, पूरी तरह से बैट्समैन को खोला, आना चलती भी थ्रो पहुंचा है और अंपायर ने तीसरे अंपायर की मदद ली है। क्या गेंद थी, पूरी तरह से राकेश प्रभु को खोल के रख दिया था, तीसरे अंपायर की तरफ चले गए ऑन फील्ड अंपायर, क्या डिसीजन आता है। गेंदबाज ने भी वहां पर अच्छा कार्य किया है ये देखने को मिल रहा है, जैसे ही गेंद उनके हाथ में आ गई उन्होंने स्टंप्स बिखेर दिए और विश्वनाथ का कलेजा कहीं ना कहीं हलक में आ गया होगा। टीवी अंपायर शकील कोटी अल्ट्रा स्लो मोशन में देख रहे हैं, दिस इज द वंडरफुल टेलीकास्ट। फिर से अच्छी गेंद, कमाल की बॉलिंग हो रही है, विक्रांत आक्रमण जारी रखते हुए, बहुत खूबसूरत गेंद, टप्पा पड़ने के बाद मन बनाकर शायद वो स्ट्रोक खेलने का प्रयास, कृष्णा सातपुते का वही कोशिश हो रही है इस बार, मिस टाइम स्ट्रोक, खुद गेंदबाज गेंद के नीचे और बढ़िया कैच, तो जो संभावना बन रही सही साबित होती हुई, क्योंकि रन नहीं आ रहे और रन आस्किंग रन रेट का दबाव बन रहा था, गेंद को लॉफ करना चाहते थे, गेंद बाहर की जानिब निकल रही थी, आसमान में खड़ी रहेगी और कितना कॉन्फिडेंस। ओ बेहतरीन गेंद, ये बाहर की तरफ स्पिन हुई, गति में परिवर्तन, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद, स्विंग किया, गेंद सीधी डीप मिड विकेट पर, मन को श्याम चौधरी शून्य पे आउट, फुल टॉस गेंद थी, वाइडिश मिड विकेट पे खिलाड़ी रख दिया गया, विक्रांत स्वीप लगाने की कोशिश, बढ़िया गेंद, बढ़िया वाप, विक्रांत चौहान, स्कोर है इस वक्त 7 रन 1 विकेट ओवर द स्टंप्स। इस मरतबा बॉलर बैक ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी हैं, एक रन बना, तेज विकेटों के बीच में दौड़ और अंपायर तीसरे, तो फिर कहना होगा कि गलती उन्हीं की थी क्योंकि उन्होंने ही कॉल किया था वहां पे पवन केने को। बिल्कुल काफी तेज गेंद गई थी, हालांकि हल्का सा मिसफील्ड हुआ था लेकिन थ्रो देखिए कितना बढ़िया आया था, बिल्कुल स्टंप के ऊपर, इतना बढ़िया थ्रो, भावेश्वर मैं श्रेय दूंगा उस फील्डर को जिनका थ्रो देखिए बिल्कुल स्टंप के ऊपर, कोई वहां पर विक्रांत ने गलती नहीं की और एक बहुत बड़ी विकेट, रन आउट के तौर पर वापस जा रहे हैं बिलाल और काफी निराश भी होंगे क्योंकि ये सेमीफाइनल का मुकाबला के नाम से जाने जाते हैं। बढ़िया बाउंसर, क्या कहता हुआ, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, ये ओवर द विकेट जाते हुए प्रतीक को खेल दिया है, पीछे खिलाड़ी है और प्रतीक पाटिल आउट, विकेट नंबर 4 गिरता हुआ नक्शे 11 का। बिल्कुल प्रतीक पाटिल बहुत अच्छा अपने टीम के लिए खेल रहे थे लेकिन वहां पर थोड़ी सी तेज पवन केने को, इस मरतबा फिर हवा में गेंद और पवन केने, बिल्कुल बादशाह 11 के गेंदबाज भी ये बताना चाहते हैं कि हम मुंबई से भिवंडी क्यों आए हैं, हमारे पास भी बहुत अच्छा क्रिकेट है, जब आप भिवंडी के स्टार है तो हम भी मुंबई के को छेड़खानी की थी, आ भी निकली 35 रन 3 ओवर में 29 चाहिए फाइनल में, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, शाहिद को चिप किया, क्या कैच हो जाएगा, ओ माय गॉड व्हाट अ कैच, शाहिद कैच कुठे घेतली आहे पा, टाळ्या झाल्यास पाहिजे जर कैच आवडली असेल तर, काय कैच घेतली आहे, शाहिद नावाचं वादळ संपवलं या कैच ने, फरदीन काजी ने इस मरतबा ड्राइव किया हवा में, पहले बाउंस पे गेंद मिड ऑन में पहुंची, बढ़िया गेंद, धीरे से खेला, फरदीन को झपट्टे देखा तो बढ़ते हुए धीमी गेंद, बैठक खेला है, पीछे खिलाड़ी है, शकर की गोली,
सर श्याम चौधरीला साठी देखील या अगोदरच्या मॅचच्या पहिल्याच बॉलवर फुल टॉस अशाच प्रकारचा होता. श्याम मोठ्या फटक्यात विक्रांत अच्छी वापसी वाइड यॉर्कर लेकिन इस वन विक्रांत अच्छी गेंद फिर बीट किया. एक बात है विकेट कीपिंग